गया मेरे चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट में पूरी करने वाला हूँ। क्योंकि मतलब माइनक्राफ्ट जो कि हर किसी को खेलनी होती है, मतलब मज़ा आता है यार। बेस्ट गेम, मतलब बेस्ट सेलिंग गेम जो थी हमारी, जो मतलब सब खेलते हैं, मतलब सबको इसके बारे में पता है मोस्ट ऑफ। इसलिए तो आप ये वीडियो पे आए हो, और खेलना चाहते हो आप अपने लो एंड पीसी पर तो चिंता मत करो, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। मैंने यूट्यूब पे सारी मतलब सारी जो भी ट्रिक्स थी वो सारी खोज के मैंने आपको सब कुछ ये वीडियो में कवर अप करूँगा। सो वीडियो लीव करने की ज़रा भी मत सोचना, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपका इतना परफॉर्मेंस बूस्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरे पीसी में अभी आप देख सकते हो, मतलब मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ और उसमें मतलब स्पेक्स बता देता हूँ, i3 फर्स्ट जनरेशन है, उस पर माइनक्राफ्ट मतलब चलना इम्पॉसिबल है। 4 GB रैम है और फिर एक ग्राफिक्स कार्ड है जिसका मतलब उसको निकाल भी दूँ ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब इतना इतना पुराना लैपटॉप है। फिर भी इसमें आप देख सकते हो कितने FPS आ रहा है, नॉर्मली मेरे 40 से डाउन नहीं हो रहे, अभी मेरे 58-64 इतने ज़्यादा आपके आएंगे। तो अभी जैसे कि आपके आ रहे हैं 20, मतलब मैक्सिमम 20 तो पक्का ये आ जाएंगे। पर इसके पहले मैं आपको दूसरी एक वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा मतलब उसका ही काम है। क्योंकि वो वीडियो में मैंने बताया पूरा विंडोज़ का ऑप्टिमाइजेशन, सिर्फ गेम का नहीं विंडोज़ का, मतलब विंडोज़ पूरी आप ऑप्टिमाइज कर दो अपनी, विंडोज़ में ही आप काम चला रहे होंगे अभी तो। जो भी विंडोज़ यूज़र है वो देख सकता है, क्योंकि उसमें मतलब सही में उसमें से ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि ये माइनक्राफ्ट के सेटिंग्स में इतना मतलब ध्यान नहीं होता, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। मतलब अगर आप रैम डबल करना चाहते हो तो उसकी भी वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, बहुत ही ज़ोरदार है। और वो जो ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो है उसमें सही में आपका पीसी बहुत फास्ट हो जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। पीसी फास्ट होगा तो माइनक्राफ्ट ऑफकोर्सली मतलब फास्ट हो ही जाएगी, तो ये आप देख सकते हो, वरना मतलब आपका पीसी वैसे ही फास्ट है तो मतलब ये देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब छेड़छाड़ी नहीं करनी आपको अपने पीसी में, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये वीडियो में सिर्फ मैं माइनक्राफ्ट के सेटिंग्स नहीं बताऊंगा, इसमें दूसरी भी मतलब मैंने यूट्यूब पे सारे वीडियोस छान मारे हैं और फिर ये ट्रिक्स मतलब मैं ढूंढ के सारी कवर अप करूंगा। तो ठीक है, उसमें मतलब बताया क्या जाता है कि ऑप्टिफाइन डाउनलोड करो, पर मैं सिर्फ वो नहीं बोलूँगा, सिर्फ ऑप्टिफाइन नहीं, एक मॉड आता है ऑप्टिफाइन प्लस फैब्रिक मॉड, तो वो आप डाउनलोड करना। और फिर ऑप्टिफाइन का जो मतलब फोल्डर फाइल होती है उसको आपको मॉड के फोल्डर में डालना है वो, और ऑप्टिफाइन प्लस फैब्रिक का मॉड, और फिर आपको फैब्रिक भी डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है आपको पीसी में। तो वो मैं मतलब इस क्लिप में डाल दूंगा, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर न्यू इंस्टॉलेशन में जाके आपको वो फैब्रिक कर देना है। तो फिर आप जब भी मतलब करोगे तो वो आपका फैब्रिक प्लस ऑप्टिफाइन दोनों साथ में खुलेगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्टिफाइन भी है और फैब्रिक भी है। देखो ये वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे तो ये ऑप्टिफाइन है और फिर फैब्रिक भी है, दिखाता हूँ। देखो इसमें नहीं लिखा हुआ आ रहा है पर लिखा हुआ आता है, सो ये फैब्रिक भी है, इसमें मतलब लिखा नहीं है तो क्या हुआ, पर फैब्रिक है ये, तो ठीक है इतना समझ लो। वो ये क्लिप में से आप समझ लेना, डिटेल में बताऊँगा तो टाइम कम पड़ जाएगा, ये वीडियो में 10 मिनट में कवर अप करना चाहता हूँ। सो ये सीड आपको मैं लास्ट में दे दूंगा, ये सीड की तो किसी को पड़ी नहीं होगी, क्योंकि वीडियो पे ध्यान देते हैं यार, मैं भी बकवास कर रहा हूँ बहुत। तो फिर सेटिंग्स पे आ जाते हैं, तो ये आपको जो मैंने बोला और वो आपको करना है। न्यू इंस्टॉलेशन आपको शायद से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आप खेलते हो मतलब टी लॉन्चर वाली माइनक्राफ्ट। अगर आपने ओरिजिनल माइनक्राफ्ट अभी तक बाई नहीं की हुई है, जल्दी से बाई मत करना, क्योंकि मतलब मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसमें आपको दिखाता हूँ कि मतलब ओरिजिनल माइनक्राफ्ट आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगा, जल्दी से वो देख लो, वो भी बहुत अमेजिंग वीडियो है, वो देख लेना, फिर ये देखना तो आपको समझ पड़ने लगेगा सब कुछ। तो ठीक है, उतना ऑप्टिफाइन प्लस फैब्रिक करने के बाद आपको सेटिंग्स करने हैं जो कि मतलब मैंने की है, और उसके पहले भी वो तो कर ही लेना, ठीक है, जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन आपको बताई है वो तो कर ही लेना, क्योंकि उससे ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ठीक है, सिर्फ ऑप्टिफाइन मत डाउनलोड करना, ऑप्टिफाइन प्लस फैब्रिक आपको डाउनलोड करना है उसका मॉड, तो ठीक है वो आप समझ लेना, और फिर वो आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आ जाता है, ठीक है। तो फिर अभी सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, ये सेटिंग आप वीडियो पॉज करके सारी कॉपी कर लेना, तो ठीक है मैं एक बार ये इधर आ जाता हूँ। हाँ बस, तो ये रही सेटिंग्स, देखो वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे और ये सारी कॉपी कर लो, ठीक है।
फिर ये क्वालिटी, फिर ये सारी पॉज करके आप कर लेना ये, और कुछ छेड़छाड़ी मत करना, ये स्मूथ FPS को ऑफ ही रहने देना, क्योंकि मतलब आप सोचोगे कि ये ऑन कर देते हैं क्योंकि 6 FPS आएंगे, पर ऐसा नहीं होता। मतलब ये ऑफ कर, ऑफ ही कर दो, मतलब तो माइनक्राफ्ट छेड़छाड़ी नहीं करेगा आप में, तो ज़्यादा FPS आते हैं, मैंने खुद ये ट्राई किया हुआ, आप छेड़छाड़ी मत करना। तो ठीक है, ये कॉपी कर लो, और फिर शेडर तो आप मतलब डालना चाहते हो तो डालो, या फिर मैं तो सजेस्ट वही करूँगा कि जितने कम शेडर्स आप डालोगे उतने ही मतलब ज़्यादा FPS आएंगे, क्योंकि मतलब वो लैग करता है यार, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है ये। मैं अभी एक ही मतलब वो रिसोर्स पैक यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं दिखाऊंगा तो टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेने के बाद वीडियो सेटिंग्स, स्किन कस्टमाइजेशन, म्यूजिक एंड साउंड में आप ये रख सकते हो, म्यूजिक ऑफ कर देना क्योंकि उसकी कोई मतलब किसी को ज़रूरत नहीं होती, और वो मतलब उससे FPS बूस्ट होता है या नहीं वो तो नहीं पता। FOV मैक्स मत करना, उससे भी फ़र्क पड़ता है, ये 85 कर देना। सारे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आप कर देना, तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में ये सब कुछ आप कर देना। ठीक है, ये चैट टेक्स्ट ओपेसिटी आप 50 रख सकते हो, ये तो मैंने खुद रखी है, ये आप कर सकते हो, मतलब इसमें सब कुछ मतलब ये तो आप जो करना हो कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो, पता नहीं कितनी मिनट की हो चुकी होगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, बहुत कम जन सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे ही मैं अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ यार। बहुत जल्दी हम 1K पहुँचने वाले हैं, हालांकि अभी तो मतलब 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, पर फिर भी पहुँच जाएंगे यार, हिम्मत नहीं हारूंगा यार मैं। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब से बहुत होता है कुछ पता नहीं, तो लाइक कर देना। ठीक है, तो अभी लैग होने लगा है, पता नहीं क्यों मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, इसलिए माइनक्राफ्ट को पता नहीं क्या हो गया। अरे इतने डाउन FPS क्यों आ रहे हैं यार, तो पता नहीं आपके तो अच्छे ही आएंगे, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना यार, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग करने से भी बहुत मतलब FPS में ड्रॉप होता है, फिर भी इतने आ रहे हैं, आपके इससे ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, वैसे भी आपका PC इतना तो खटारा होगा नहीं, तो सब्सक्राइब कर देना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो जल्दी से आउट्रो करता हूँ, बहुत बकवास कर ली। तो ये डेजर्ट टेम्पल की लूट भी OP थी, ये डेजर्ट टेम्पल का सीड आपको मैं दे देता हूँ जल्दी से, ये आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी है आपके, दे दूंगा वो, और देखो मैं टेक्स्ट में कमांड लिख के दिखा देता हूँ सीड। अरे यार मैंने क्या लिखा यार, कोई बात नहीं, डबल मैं पागल जैसे कर रहा हूँ यार, ई डबल नहीं कर रहा। तो ये रहा सीड, आप कॉपी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये उसमें बहुत OP लूट जैसे कि आपने अभी देखा वो आप कर सकते हो ना, मतलब ये सीड आप खेल सकते हो। तो बस आउट्रो करता हूँ मैं, बहुत बकवास कर ली। ठीक है, तो मिलता भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब से बाय फ्रेंड।